इस भागवत में 12 स्कंद हैं और कुल मिलाकर के 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। 335 अध्याय इस भागवत के अंदर विराजमान है। 18,000 श्लोक हैं। हम लोगों ने अब भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। भागवत के प्रथम स्कंद में सबसे पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। क्या किया है? मंगलाचरण। जब तक हम किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं करेंगे, बिना मंगलाचरण किए किसी भी ग्रंथ में, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप खोलें, उसका अध्ययन करें, अध्ययन करने से पहले आप मंगलाचरण करें। जब भी आप भगवान की सेवा करें, भगवान की स्तुति करें, भगवान की सेवा करें, तो सबसे पहले मंगलाचरण करो। एक बात और, मंगलाचरण किसी भी सामान्य व्यक्ति का नहीं होता, किसी भी राहगीर व्यक्ति का मंगलाचरण नहीं होता। महाराज, मंगलाचरण उसी का होगा जिसका आचरण मंगल होगा, जिसका मन पवित्र होगा, ऐसे महान पुरुष का ही मंगलाचरण होता है। जिसके दिल में खोट है, जिसके दिल में लोभ है, अथवा जिसके दिल में कपट है, राग द्वेष है, ऐसे व्यक्ति का मंगलाचरण नहीं होता। जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका मन पवित्र हो, ऐसे महापुरुष का ही मंगलाचरण होता है। कोई व्यक्ति सामने जा रहा हो, आप सामने खड़े होकर के भैया आपका मंगलाचरण करना है, शोभा देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसका आचरण मंगल नहीं है। जिसका आचरण, जिसके आचरण में खोट है, अमंगल है जिसका आचरण, ऐसों का मंगलाचरण नहीं होता। एक बार क्या हुआ, ध्यान देना आप सब लोग, राम जी और मां सिया दोनों आसपास में बगल में बैठे हुए थे। राम जी के मन में विनोद करने की इच्छा प्रकट हुई। विनोद का अर्थ जानते हो? मजा। राम जी के मन में विनोद करने की इच्छा प्रकट हुई। राम जी ने मां सिया से कहा, ध्यान देना सभी लोग, मां सिया से राम जी ने कहा, देवी एक बात कहूं? मां सिया ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तो श्री राम जी ने कहा, देवी आपके चरण से अधिक सुंदर हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। आपके चरण से अधिक हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। तो श्री मां सीता ने कहा, स्वामी ये कैसी बात करते? आप कहा नीलाम्बुजस्या मलकोमलांगम और मैं कहा गौरवर्ण की? आप नीलवर्ण के हैं और मैं गौरवर्ण की हूँ, तो आपका ये संदेह भी गलत है। आपने कहा कि हमारे चरण से सुंदर आपके चरण हैं। स्वामी ये बात सत्य है कि आपका चरण ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन आपके चरण से अधिक हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। तो श्री राम जी ने कहा, नहीं नहीं, आप ध्यान से देखो, आपके चरण से अधिक सुंदर हमारे चरण है। माता सीता कहती, नहीं नहीं स्वामी, आपको भ्रम हुआ है, आपके चरण से सुंदर हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। राम जी कहते कि हमारे चरण सुंदर हैं, मां सिया कहती कि हमारे चरण सुंदर हैं। दोनों का आपस में विवाद होने लगा और उसी बीच में लखनलाल जी पधारे, लक्ष्मण जी पधारे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया और भाभी माँ, आप दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप यह बताओ कि हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं कि भाभी माँ के चरण ज्यादा सुंदर हैं? तो लखनलाल जी ने विचार किया कि अगर मैं कहूंगा भैया आपके चरण ज्यादा सुंदर हैं, तो भाभी माँ हमसे रुष्ट हो जाएगी, और अगर ये कहूंगा कि भाभी माँ आपके चरण ज्यादा सुंदर हैं, तो भैया हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो अब करूं तो करूं क्या? तो अब लखनलाल जी के मन में एक विवेक सूझा। लखनलाल जी ने कहा कि दोनों ने आपस में विवाद किया, मैं भी थोड़ा आनंद लेता हूं। लखनलाल जी ने क्या किया? कहा, भैया बताओ चरण ज्यादा किसके सुंदर है? हाँ हाँ बताओ।
तो अब लखन लाल जी ने कहा, भैया आपके चरण से अधिक इतना ही कहा, इसी पर रुक गए। अब माँ सिया को लगा कि ये कहना चाहते हैं कि राम जी से अधिक हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। तो माता सीता ने कहा, स्वामी देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके चरण से ज्यादा सुंदर हमारे चरण है। लखन लाल जी ने कहा, नहीं नहीं भाभी माँ, हमारा कहने का ये मतलब नहीं था। तो माँ सिया ने कहा, तो आप कहना क्या चाहते हो? तो अब लखन लाल जी ने फिर विनोद किया। लखन लाल जी ने कहा, भाभी माँ बताऊं? हाँ हाँ बताओ। तो लखन लाल जी ने कहा कि भाभी माँ आपके चरण से अधिक इतना ही कहा, रुक गए। अब राम जी को लगा कि ये लखन कहना चाहता है कि हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। तो अब राम जी ने कहा, देखा देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं। लखन लाल जी ने कहा, भैया अभी मैंने निर्णय नहीं किया कि ज्यादा चरण किसके सुंदर हैं। अब लखन लाल जी के इन शब्दों को सुनकर के राम जी ने और सिया ने दोनों ने एक स्वर में कहा है, लखन आप कहना क्या चाहते हो, आप स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। तो अब लखन लाल जी ने कहा, भैया मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपका आचरण मंगल है, ध्यान देना, आपका आचरण मंगल है, इसीलिए भाभी माँ के चरण सुंदर लगते हैं और भाभी माँ का भी आचरण पवित्र है, मंगल है, इसीलिए आपके भी चरण सुंदर लगते हैं। कहने का भाव, जिसका आचरण मंगल होता है, जिसका मन पवित्र होता है, ऐसों का ही मंगलाचरण करते हैं। एक बार को हो राधे राधे। तो आज भागवत का तीन श्लोकों में मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये प्रथम श्लोक है और प्रथम श्लोक गा करके भागवत का मंगलाचरण किया। और ध्यान देना, इस श्लोक में किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। यहाँ पर सत्यम परम धीमहि लिखा। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, कि मैं परम सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूँ। एक भक्त ने कहा कि सत्यम के स्थान पर कृष्णम परम धीमहि लिख देते, कि मैं श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं, अथवा यहां पर शिवम परम धीमहि लिख देते कि मैं शिव का ध्यान कर रहा हूं। यहां पर किसी भी देवी देवता का नाम न लेकर के यहां पर सत्यम परम धीमहि ही क्यों लिखा? तो भक्त ने कहा, श्री व्यास जी ने कहा कि संसार में अगर कोई भक्त कृष्ण की उपासना करता है तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि वो शिव जी की भी उपासना करता हो। मगर कोई कृष्ण का पुजारी है, कोई राम का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई हनुमान जी का पुजारी है। संसार में हर जीव के आराध्य, हर जीव के इष्ट अलग अलग है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा जीव व्यक्ति नहीं है जो सत्य को न मानता हो। हर व्यक्ति सत्य की उपासना करता है, हर व्यक्ति सत्य को ही पसंद करता है। इसलिए श्री वेदव्यास जी ने सत्य शब्द का संबोधन करके यहाँ पर जातिवाद का विभाजन नहीं किया। मारे सत्यम परम धीमहि सत्य शब्द कह करके हर जातियों को भागवत में आवाहन किया है। यह भागवत हर जीव को श्रवण करना चाहिए। स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भागवत सबका कल्याण करती है, ये भागवत सबका उद्धार करती है।
जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस कामना से भागवत जी को सुनेगा, भागवत जी उसकी उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। ये भागवत की महिमा है।